नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं हिंदी खबर का खास शो खेल खबर। खेल खबर में हम आज बात करेंगे एशिया कप में अफगानिस्तान की हार के लिए मैच रेफरी हैं क्या जिम्मेदार, इस पे आज हम विस्तार से बात करेंगे। एशिया कप के आखिरी लीग मुकाबले में श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने बोर्ड पर 8 विकेट खोकर 291 रन लगा दिए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम को मैच जीतने के लिए 37.1 ओवर में ये टारगेट हासिल करना था, लेकिन अफगानिस्तान की टीम सिर्फ 289 रनों पे ऑल आउट हो गई और 2 रनों से मैच हार गई। खबर ये थी कि मैदान पर खेल रहे अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को ये अंदाजा ही नहीं था कि वो सुपर 4 के लिए कैसे क्वालिफाई करेंगे। इसके लिए अफगानिस्तान के कोच ने अपना गुस्सा मैच रेफरी पे निकाला। अफगानिस्तान ने 37वें ओवर के बाद 289 पर 8 पर पहुंच चुकी थी। उसे एक गेंद पर 3 रन चाहिए थे, लेकिन इस गेंद पर मुजीब उर रहमान आउट हो गए, जिसके बाद नॉन स्ट्राइकर राशिद खान अपने घुटने के बल बैठ गए और काफी निराश दिखे। शायद ये सोचकर उनकी टीम सुपर 4 की रेस से बाहर हो गई है। मगर इसके बाद भी अफगानिस्तान के पास मौका था, क्योंकि यहां समीकरण बदल चुका था। अफगानिस्तान की टीम ने नेट रन के मामले में श्रीलंका से आगे निकल सकती थी, मगर वो 37.2 ओवर के बाद 292 या 37.3 ओवर के बाद से 294 या 37.5 ओवर के बाद 295 या 38 ओवर में 296 रन बोर्ड पर लगा देते, या 38.1 ओवर में 257 रन बना लेती तो सुपर 4 की रेस में शामिल हो जाती। ट्रॉट ने बताया कि उन्हें इस स्थिति के बारे में किसी भी मैच अधिकारी द्वारा सूचित नहीं किया गया था। उन्होंने मैच के बाद कहा, हमें उन समीकरण के बारे में कभी नहीं बताया गया कि हमें बस इतना बताया गया था कि हम 37.1 ओवर में जीतना है। हमें ये नहीं बताया गया था कि ये कौन से ओवर हैं इनमें हम जीत कर रन रेट में बढ़त हासिल कर सकते हैं। इस पूरे मामले पे कोच ने क्या कहा उस पर भी बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे गेम हारने का कोई एक कारण है। खेल के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, यही इस मैच पर लागू होता है। हमने कुछ क्षेत्रों में कुछ चीज़ें बेहद गलत की, इसकी वजह से हमें और इसकी हमें कीमत चुकानी पड़ी। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने श्रीलंका के खिलाफ हार के बाद कहा कि एशिया कप में श्रीलंका से मिली 2 रन की निराशाजनक हार के बावजूद उन्हें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है, जिन्होंने मैदान पर अपना शत प्रतिशत दिया। हालांकि उन्होंने मैं फैन से माफी भी मांगी। श्रीलंका के खिलाफ 2 रनों की हार के बाद अफगानिस्तान के कप्तान हसमतुल्लाह शाहिदी ने कहा कि इससे हम बहुत निराश हूँ, हमने अच्छी चुनौतियाँ दी, हमने अपना शत प्रतिशत दिया, टीम जिस तरह से खेली उस पर गर्व है। मुझे लगता है कि हमने वनडे फॉर्मेट में पिछले 2 सालों में अच्छा क्रिकेट खेला। उन्होंने आगे कहा कि हम अब भी काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, हमने इस टूर्नामेंट से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें सीखी, हम विश्व कप के करीब हैं, हमने यहाँ जो गलतियाँ की उसे सीख लेंगे और विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। दर्शकों ने हमारी काफ़ी समर्थन किया, हमें उन्हें कुछ वापस देने की भरपूर कोशिश की, हमें उनके लिए खेद है। इस हार के चलते अफगानिस्तान की टीम को सुपर 4 का टिकट नहीं मिला और वो एशिया कप 2023 के रेस से बाहर हो गए। एशिया कप के सुपर 4 में अब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम पहुंची है। आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे खेल खबर में नई जानकारियों के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मुझे आज दें इजाजत। कल फिर हाजिर होऊंगा खेल खबर में नई खबरों के साथ। देखते रहें हिंदी खबर। धन्यवाद।